हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम इस वीडियो में एक केस लेकर के आए हैं। और ये केस एक 39 ईयर एक मेल पेशेंट का है, और इस पेशेंट को कई सारी तकलीफ थी और उससे काफ़ी ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या थी कि इसको एसाइटिस था और डायलेटेड बॉवल लूप था और फैटी लीवर था। ये तकलीफ इसको करीब 2 महीने से चल रही थी और इससे इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसे कि उल्टी हो रही थी, उल्टिंग हो रही थी, लूज मोशंस हो रहे थे, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता था और इसका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल जाता था। तो ये कंप्लेन इस पेशेंट को करीब 2 महीने से चल रही थी। तो केस टेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रैक्टिस का। जब भी कभी केस टेकिंग लेना चाहिए तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए लेना चाहिए, पेशेंट क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है या कुछ भी हो, तो केस टेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये पेशेंट जो है, इसको एक फ्रेंड ने इसका बताया था कि आप यहाँ से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए तो आप सही हो जाएंगे। तो इस पेशेंट से हमने ऑनलाइन केस लिया हुआ था इसका। तो जब इसने बात करी फ़ोन पे, तो हमने कहा जी बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो पेशेंट ने बताया कि दरअसल डॉक्टर साहब, हमको ये जो तकलीफ़ होती है, ये 2 महीने पहले एक फंक्शन में हमने अल्कोहल ले लिया था और उसके बाद से ही हमको काफ़ी ज़्यादा उल्टी और दस्त होने लगी और हमारे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। यानी अल्कोहल लेने के बाद से ही ये तकलीफ़ हमारी स्टार्ट हुई और उसके बाद ये सारी तकलीफ़ चल रही है। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, क्या आपने कोई इलाज लिया या नहीं लिया, इसका कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब नहीं, हमारा 1.5 महीने से करीब ट्रीटमेंट चल रहा है और हमको काफ़ी ज़्यादा आराम भी है इस ट्रीटमेंट से। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हमने कहा दिक्कत क्या हुई जो हमसे इलाज लेना पड़ा। तो उसने कहा डॉक्टर साहब, अभी 2 दिन पहले हम आलू और मटर की सब्जी खा लिए थे और हमने फिर से अल्कोहल ले लिया था, तो ये तकलीफ़ हमारी फिर से स्टार्ट हो गई। हमने कहा अच्छा ठीक है, स्टार्ट हो गई, कोई बात नहीं है, तो आप फिर से वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं आप जो 1.5 महीने से ले रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो हमसे लेने क्या वजह आपकी है। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब, दरअसल ना हम 1.5 महीने से एलोपैथिक मेडिसिन खाते खाते उब गए हैं। तो हमने कहा इसमें उबने वाली कोई बात ही नहीं, अगर आपको उस ट्रीटमेंट से आराम मिला तो उबने क्या मतलब हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब, दरअसल ना क्या है कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर हम ज़्यादा दिन तक खाएंगे, यानी अगर हम लंबे टाइम तक खाएंगे एलोपैथिक मेडिसिन को, तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हमने कहा नुकसान मतलब, कह रहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट डालती हैं, यानी उन एलोपैथिक मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है अगर हम लंबे टाइम तक उसको लेंगे, इसलिए हम उस मेडिसिन को अब नहीं लेना चाहते हैं। चूँकि फैटी लीवर भी है, अगर उस ट्रीटमेंट को हम लंबा चलाएंगे तो लीवर पे भी उसका साइड इफेक्ट होगा, बाकी अंग पे भी होगा, इसलिए हम उस मेडिसिन को लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहते हैं, अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। उनका अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट होती जा रही हैं कि पेशेंट कह क्यों रहा है, रीज़न क्या है, यानी डिजीज ओरिजिन के काज क्या हैं, सब यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। तो ये चीज़ें केस टेकिंग में बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो फिर केस टेकिंग के बीच में ही हमने उससे कहा अच्छा, अगर आप साइड इफेक्ट से बचाना चाहते हैं और ठीक भी होना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन भी तो करवा सकते हैं, उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और आपको लंबा ट्रीटमेंट भी नहीं चलेगा और एलोपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा दिन तक खाना भी नहीं पड़ेगा। तो पेशेंट थोड़ा सा डर के बोला, अरे डॉक्टर साहब नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा ऐसा करने से दिक्कत क्या है आपको, आपको आराम भी तो बहुत जल्दी मिल रहा है। तो पेशेंट के बातों में वो डर दिख रहा था। तो फिर पेशेंट ने बोला, डॉक्टर साहब हम क्या है कि ना ऑपरेशन और इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो हमने कहा अगर डॉक्टर कोई आपका ऑपरेशन कर रहा है तो आपको पता भी तो नहीं चलेगा ना उसमें अगर कुछ भी कर रहा है। तो कह रहे डॉक्टर साहब वो अंदर क्या है ना, वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें उससे बहुत डर लगता है, पतन क्या काट दें क्या ना काट दें अंदर ऑपरेशन करते वक्त, उस चीज़ से हमें बड़ा डर लगता है डॉक्टर से ऑपरेशन से। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो जब भी केस टेकिंग में हम पेशेंट के माइंड को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए जो अगर पेशेंट अपनी बातों को आसानी से बता सके।
क्योंकि हमें कभी डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि हमें आपको ऑपरेशन से डर लगता है या इंजेक्शन से डर लगता है, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि हम कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करें कि जो हम जानना चाहते हैं वो पेशेंट अपने आप बता दे, और कभी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो फिर रियल जो माइंड उसका होता है वो समझ में आ जाएगा आपको कि पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये बताने के बाद फिर ये केस टेकिंग हमने इतना लिया, फिर उसके बाद हमने इन सारे सिम्टम्स को देखा, समझा, इवेलुएट किया, फिर उसको हमने रिपर्टी में रिपर्टाइज किया। तो जो हमने फर्स्ट रूब्रिक लिया हुआ था वो था डिलोजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैज, यानी उसने कहा था यही पहली बात कि डॉक्टर साहब तकलीफ हमारी 2 महीने से है और 2 महीने पहले हमने अल्कोहल ले लिया था और उसके बाद से ही हमें उल्टी और दस्त स्टार्ट हो गई और पेट बहुत तेज दर्द करने लगा और पेट बहुत ज़्यादा फूल गया। तो यहाँ पर ये रूब्रिक हमने लिया हुआ था कि डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैज, और इसके बाद हमने उससे पूछा था ना कि आपका ट्रीटमेंट आपने कोई लिया कि नहीं लिया इससे। तो पेशेंट का हाँ डॉक्टर साहब हमने लिया था, 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अब ऊब गए हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो उबने का यहाँ रीज़न बताया हुआ था कि एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, उसका लीवर पे असर होता है और सारे कई अंगों पे होता है, तो इसलिए हम उस एलोपैथिक मेडिसिन को बंद करना चाहते हैं और अब हम उसको नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड रूब्रिक आपको दिखेगी वो था फियर इंजरी बींग इंजर्ड ऑफ, यानी उस इंजरी से, यानी जो उससे नुकसान होने वाला है, जो एलोपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट होगा उसके बॉडी में, जो भी नुकसान करेगी मेडिसिन, उस चीज़ से उसको डर है, इसलिए उस मेडिसिन को आराम होते हुए भी, जबकि उस ट्रीटमेंट से उसको काफ़ी ज़्यादा आराम था, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ था, लेकिन उसकी वजह से उस ट्रीटमेंट को आगे वो नहीं बढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर हम आगे ट्रीटमेंट बढ़ाते हैं तो हमारे बॉडी में इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा, इसलिए उस मेडिसिन को बंद करना चाहता है। तो यहाँ पर जो सेकंड रूब्रिक था वो था फियर इंजरी बी इंजर्ड ऑफ, और फिर जब हमने उसको हंसी मजाक में हल्का से ही पूछा था कि आप ऑपरेशन करा भी सकते हैं ना, ऑपरेशन आप क्यों नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पर उस बात को भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि हमें उस चीज़ से डर लगता है कि डॉक्टर पता नहीं क्या काटपीट करेंगे, पता नहीं क्या कटपीट करेंगे। तो ये चीज़ था कि उसको इस बात का भी डर था धोखे का कि डॉक्टर पता नहीं सही से ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं क्या काट पीट दे, कोई आर्गन काट पीट दे या कुछ भी कर दे, तो उसे उस बात का भी डर था। तो यहाँ पे जो हमने तीसरी रूब्रिक लिया हुआ था वो था फियर बिट्रेड ऑफ बींग, तो हमने बेसिकली यहाँ पे 3 रूब्रिक लिया हुआ था, डिल्यूजन और फियर, और इन से रिलेटेड हमने 3 रूब्रिक लिया हुआ था, यानी वो रॉन्ग सफर्ड हुआ, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैज, फिर उसको डर आया इंजरी का, डिल्यूजन उसको डर लगा माइंड में, तो हमने फियर इंजरी बींग इंजर्ड ऑफ लिया हुआ था, फिर फियर बिटेड ऑफ बींग, ये 3 रूब्रिक हमने लिया हुआ था। तो रिपर्टी में रिपर्टाइज करने के बाद जो मेडिसिन आती है तो फर्स्ट जो नंबर पे आती होती आयोसियमस, और जो सेकंड पे थी होती लाइसिन। तो अब हमें ये देखना है कि नंबर तो ज़्यादा कवर कर रही हायोस, बट उसके क्लोज लाइसिन भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम रिपर्टी में अगर कोई फर्स्ट नंबर पे आ रही है तो हमें वही देना है, हो सकता है उसकी मेडिसिन सेकंड वाली हो। तो इसमें अब डिफ्रेंशिएट करना है कि हायोस को और लाइसिन को। तो अब आप देखते हैं कि जो हायोस का यहाँ पे था, इसमें था ना कि उसको रॉन्ग सफर्ड हुआ है और फियर बिटेड ऑफ बींग की फीलिंग आ रही है, और लाइसिन में क्या होता है, उसका जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेडिसिन का, वो जो एक भ्रम होता है लाइसिन को कि डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, लाइसिन को हमेशा लगता रहता है जब भी आप केस टेकिंग लेंगे तो उसके अराउंड ही केस घूमती रहेगी, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, यानी उसको इन्वायरमेंट से, उसको आसपास के लोगों से
परेशानी है, यानी उसको आसपास का जितना इन्वायरमेंट है उसको परेशान कर रहा है, यानी उस इन्वायरमेंट से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये फीलिंग उसके माइंड में आ जाती है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। चाहे मैन हो या कोई भी आदमी हो या कोई इन्वायरमेंट में ऐसा फैक्टर हो, उसको हमेशा यही लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमें कोई परेशान कर रहा है। और ये फीलिंग लगता है कि हमें कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेटिंग चीज़ है जो हमको परेशान कर रहा है और हम इस कंडीशन से नहीं निकल सकते हैं, हमें ऐसे ही इस कंडीशन में रहना है हमेशा। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, उसके माइंड में ये फीलिंग आ जाती है और इसी के अराउंड केस चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस में ये फीलिंग दिखेगी, बट इस केस टेकिंग में ये फीलिंग कभी नहीं आई कि कोई ऐसा हमें परेशान कर रहा है या किसी के द्वारा हम परेशान हो रहे हैं, इसमें कभी फीलिंग नहीं आई केस टेकिंग में। तो यहाँ पे जो हमने उसको मेडिसिन डिफ्रेंशिएट किया हुआ था, इसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ था कि लाइसिन का होता है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, बट ये फीलिंग इस केस में नहीं थी। तो हमने इसको हायोस 200 में वन डोज दिया हुआ था और वन डोज देने के बाद 15 डेज की हमने प्लेसबो दिया हुआ था। और जब इसको 15 डेज बाद फिर से इसका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब हमको काफ़ी ज़्यादा आराम है, काफ़ी आराम है, क्योंकि ये 15 डेज की इसीलिए मेडिसिन लिया था कि हमें आराम होगा तो फिर आगे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर इसको जब आराम मिला तो 15 डेज बाद ये फ़ोन किया, फिर इसने कहा डॉक्टर साहब हमको काफ़ी आराम है, हमें वन मंथ की और मेडिसिन चाहिए। तो फिर ये वन मंथ की और मेडिसिन ले गया और ये इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। तो ये था इसका हमारा एक केस, और हमने डिफ्रेंशिएट भी किया कि लाइसिन कब क्यों नहीं लेना चाहिए और हमने हायोस क्यों दिया। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और हम सब होम्योपैथी को एक बेहतर वे में ले चलें और बेहतर रिजल्ट के साथ। तो ये था आज का हमारा वीडियो, फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।